सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज फिर से नए टॉपिक नए वीडियो के साथ सेल साइकिल और सेल डिवीजन को लेकर के उसके नेक्स्ट पार्ट को यानी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे वहाँ पर एक प्रकार से हम इंटरफेज की चर्चा किए थे। तो इंटरफेज के बाद यम फेज में जाने से पहले हम पहले टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन कोशिका विभाजन का प्रकार पढ़ेंगे, जो क्लास 11th नीट और टीजीटी पीजीटी जैसे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल, जो बायोलॉजी से अपनी तैयारी बना रहे हैं कर रहे हैं, एग्जाम का तो कुछ अता पता नहीं है बट फिर भी। तो जो आज की चर्चा है वो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के प्रकार। तो नॉर्मली वी कैन से जो सेल है वो नॉर्मली तीन तरह से डिवाइड हो सकती है, यानी हम कह सकते हैं थ्री टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों में तीन प्रकार के कोशिका विभाजन हो सकते हैं। वो तीन प्रकार का जो सेल डिवीजन है तो नॉर्मली हम बोलेंगे ए माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, और तीसरा जो होगा वो आपका होगा मियोसिस सेल डिवीजन। ये तीन प्रकार का सेल डिवीजन एक सिंपल नॉर्मली जो आपका ए माइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन भी कह सकते हैं, डायरेक्ट डिवीजन अर्थात आसूत्री विभाजन कहते हैं इसको, और दूसरा हमारा जो है माइटोसिस इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब क्यों कहते हैं इसको, कहते हैं सूत्री या समसूत्री विभाजन। अब बात आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी इक्वेशनल क्यों कहा गया, क्या ये समसूत्री का मतलब बराबर, तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो बराबर होते हैं। तो बातें तो आपके दिमाग में बहुत कुछ आ रही होगी, लेकिन ये सब सारी बातें समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है और हर लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा। तो आपको हर एक छोटी सी छोटी पॉइंट यानी कि जिसे हम कहते हैं बेसिक्स हमारी मजबूत हो, वो बेसिक कंप्लीट होना बहुत मस्ट है। तो इसलिए तीसरा हमारे पास है मियोसिस। तो मियोसिस जो है इसको रिडक्शनल और इक्वेशनल दोनों कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा रिडक्शनल भी है इक्वेशनल भी है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो मियोसिस होता है वो मियोसिस दो तरह का होता है, मियोसिस फर्स्ट इसे कहते हैं और मियोसिस सेकंड कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें एक जो है रिडक्शनल होगा एक इक्वेशनल होगा, कौन होगा कब होगा आप कंटिन्यू वीडियो को आप हर एक लेक्चर को लगातार देखेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। तो आज की जो तीन टॉपिक है ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, तो नॉर्मली हम जो आज की चर्चा करेंगे वो ए माइटोसिस का, ठीक है ना, तीन प्रकार का सेल डिवीजन ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्र यानी आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें ए माइटोसिस की चर्चा करें, ए माइटोसिस क्या है कैसे है उसके बारे में आज देखते हैं। ए माइटोसिस नाम से ही है, सबसे पहले ये देखें जो आसूत्री कोशिका विभाजन है यह एक सीधा और सरल विभाजन है, डायरेक्ट डिवीजन है, क्योंकि इसमें क्या होता है एक सेल होती है। अब वो सेल चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, नॉर्मली ये समझ लें कि एक सेल अगर वो यूकैरियोटिक है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट कर जाएगा, मतलब अपनी संख्या को बढ़ा लेगा, एक है तो दो हो जाएगा, ठीक है,
संख्या को बढ़ाने के बाद इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, अर्थात केंद्र डिवाइड हो जाएगा इसका। डिवाइड होने के साथ सिंपली साधारण से वो उसकी जो साइटोप्लाज्म है, सेल जो है वो बाहर से कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, इसी को बोलते हैं ए माइटोसिस। तो आइए देखते हैं ए माइटोसिस कहाँ पर होता है, किन जीवों में होता है। तो जो ए माइटोसिस है, ए माइटोसिस सेल डिवीजन, अब ए माइटोसिस सेल डिवीजन हम कहेंगे कि ये कहाँ पर होता है, किस प्रकार की जीवों में होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम नॉर्मली कहते हैं कि बैक्टीरिया में और फंजाई में प्रोटोजोआ में भी, और ये जो है हायर ग्रेड के प्लांट जो होते हैं, हायर ग्रेड प्लांट। अब हायर ग्रेड प्लांट में हम आप नॉर्मली किसको रखना चाहते हो आप कमेंट में जरूर बताएं। हायर ग्रेड के प्लांट जो है वो नॉर्मली हम लोग जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को रखते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ओल्ड सेल यानी कि पुरानी कोशिका में, पुरानी कोशिकाओं में, और डेड एंड डिकेइंग सेल्स यानी कि जो कोशिका नष्ट हो रही होती हैं उनमें भी ए माइटोसिस होता है, ठीक है ना। यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे कर बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गई, मतलब प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा। तो ये नॉर्मली आप याद रखिएगा कि इन सूक्ष्म जीवों में, छोटे छोटे जीवों में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, उनमें ये चीज होता है, ठीक है ना, उनमें ए माइटोसिस डिवीजन होता है। तो हायर ग्रेड प्लांट कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इनमें जो पुरानी कोशिकाएं हैं या फिर नष्ट हो रही कोशिका में भी ए माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल, इसको हम थोड़ा सा देखिए। जैसे एक कोई सेल है, ऐसे नॉर्मल ये सेल मान के चलो कि ये यूकैरियोट है, क्योंकि ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर हम जेनेटिक मटेरियल को देखें, या फिर डायरेक्टली हम कहते हैं आपको प्रोकैरियोट बना देते हैं, कोई एक बैक्टीरिया नॉर्मल, ये एक बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया नॉर्मली, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर अपना खुद का क्रोमोसोम है ये, ठीक है। अब आगे चल करके क्या होगा, आगे चल करके ये जो बैक्टीरिया है वो तो इलांगेट करेगी, वृद्धि करेगी ही, ठीक है, वृद्धि करेगी, और वृद्धि करने के साथ ग्रोथ तो इसमें होगा, इस बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में ग्रोथ के साथ क्या होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है अर्थात क्रोमोसोम जो है वो भी क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। अब देखिए आप साइज के साथ इसके क्रोमोसोम में क्या हो गया, यानी कि क्रोमोसोम में क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ। अब डुप्लीकेशन का मतलब इसकी कंटेंट बढ़ गए, इसकी मात्रा बढ़ गई, इसकी साइज बढ़ गई। अगले स्टेप में क्या होगा, ये सेल ऐसे नॉर्मली कुछ बंटना चाहेगी, कुछ लाइक एज इस तरह से, ऐसे। अब आपको कुछ यहां पर कुछ क्रोमोसोम के सूत्र जो हैं कुछ इधर आ जाएंगे और कुछ जो है इधर हो जाएंगे। तो आगे चल करके क्या होगा, यहां पर क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, सेल का संकीर्णन हुआ बाहर से, यानी सेंट्री पेटल फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से क्या हुआ, बाहर से इसमें बल लग रहा था ऐसे, यानी यहां पर सेल क्या हो गई, सेल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब संकीर्ण हुई, और संकीर्ण होने के बाद ये जो है एक सेल से दो सेल में
कन्वर्ट हो गई, यानी एक कोशिका ये बन गई और दूसरी सेल ये बन गई, इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो इसे बोलते हैं क्या, इन दोनों सेल को आपने क्या कहा, ये हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका। तो इस तरह का जो सेल डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं असूत्री विभाजन अर्थात ए माइटोसिस। ए माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार के जीवों में होता है, किन प्रकार की कोशिकाओं में होता है, आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग माइटोसिस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके हर एक प्रवस्था को, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और किस फेज में गुणसूत्र को अच्छे से देखते हैं और किस फेज में गुणसूत्रों की संख्या को अच्छे से गिन पाते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस आप इस एपीएस क्लासेस कुड़वार बायोलॉजी जोन को आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और हर एक लेक्चर को आप कंटिन्यू देखें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।